Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students and viewers, in this lecture we will discuss about diminutives. Now let us see the definition of diminutives. Diminutives are used to express the idea of smallness, affection or contempt of a noun. किसी भी noun के contempt को, affection को, smallness के idea को इस्तेमाल करने के लिए जो चीज़ें एक्सप्रेस की जाती हैं उसको हम diminutives कहते हैं. इन दिस लेक्चर वी विल फोकस हेयर अबाउट ओनली ऑन द स्मॉलनेस. तो फर्स्ट एग्जांपल है आपकी आर्म. अगर हम आर्म के बाद एल ई टी लगा दें, आमतौर पर किसी नाउन के आगे अगर हम एल ई टी लगा दें तो उसकी स्मॉलनेस को शो करता है. जैसे आर्म होता है बाजू, आर्मलेट छोटा बाजू, बॉल गेंद को बोलते हैं, और अगर उसके आगे हम ईटी लगा दें तो छोटी बॉल हो जाएगी वो. सर्किल एक आम सर्किल होता है, और अगर एल ई टी जो कि ईटी लगा दें तो वो छोटा सर्किल कहलाएगा. ड्रॉप कतरा को बोलते हैं, और अगर उसके बाद एल ई टी लगा दें हम तो ये कहलाएगा आपका छोटा कतरा. ब्रुक कहते हैं नाले को, और ब्रुकलेट नाली को बोलते हैं. नाला निस्बतन बड़ा होता है, उसको क्रॉस करना मुश्किल होता है, जबकि नाली जो होती है वो छोटी होती है, उसको क्रॉस करना आसान होता है. ईगल कहते हैं अकाब को, और ईगलेट अकाब के बच्चे को कहते हैं. सिमिलरली आइस, आइस कहते हैं बर्फ़ को, और आइसिसिल कहेंगे हम बर्फ के टुकड़े को. आई एस एल ई यह है इसकी प्रोनाउंसिएशन है. आई एल आई एल इज कॉल्ड जजीरा, इसको बोलते हैं जजीरा. और ई डी लगा देंगे, टी लगा देंगे तो ये लगेगा आपका छोटा जजीरा, आईलेट. लॉक ताले को कहते हैं, और लॉकेट पी डी लगा दिया तो ये छोटा ताला. आउल उल्लू को कहते हैं, और आउलेट उल्लू के बच्चे को कहते हैं. सिमिलरली रिंग, रिंग छल्ला कहलाता है, और छल्ला निस्बतन बड़ा होता है, और रिंगलेट ये अंगूठी कहलाती है, इसको हम बोलते हैं रिंगलेट जो कि निस्बतन छोटी होती है. रिवर दरिया कहलाता है. अच्छा ये आपका एक्सेप्शन में है, यहाँ भी ये एक्सेप्शन में, यहाँ पे ईटी नहीं आया है, जबकि इसकी स्पेलिंग डिफरेंस है ईटी के मुकाबले में. तो यहाँ पे रिवर है तो यहाँ पे रेवलूट है, आर ई वी यू एल ई टी. रिवर दरिया है, और दरिया को क्रॉस करना पार करना मुश्किल होता है क्योंकि दरिया बड़ा होता है. और रिवलेट या आपकी जो है नदी है, रिवलेट कहेंगे नदी को, और नदी निस्बतन छोटी होती है, उसको क्रॉस करना पार करना मुश्किल आसान होता है. या आपका टेबल है, टेबल कहते हैं तख्ते को. तो टेबल आम टेबल होती है, उसमें क्या होता है, उसमें चार पाए होते हैं, चार उसमें पाए होते हैं, और फिर उस पर एक तख्ता बिछा दिया जाता है तो टेबल कहते हैं हम तख्ते को. और टेबलेट इस कॉल्ड तख्ती. तो आपको मालूम हुआ कि अगर किसी नाउन के आगे हम ई टी का इजाफा कर दें, ई टी का इजाफा कर दें तो उसकी स्मॉलनेस को शो करता है. एक बहुत कॉमन एग्जांपल है ये, वो है आपकी बुक, किताब. अब किताब से आपकी बुकलेट, ये कहलाएगी किताब, ये कहलाएगी किताबचा. नाम सुना होगा आपने किताब से किताबचा, किताबचा छोटा होता है और किताब निस्बतन बड़ी होती है. तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, और आपकी नॉलेज में माशाल्लाह इजाफा हुआ होगा. दुआ में याद रखिएगा. अस्सलामु अलैकुम.